हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 6 पाठ 5 ऐसे 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 नामक एकांकी को विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। इसमें पात्र परिचय हम जानेंगे। इस नाटक में मोहन का अभिनय एक विद्यार्थी के रूप में है। दीनानाथ उनका एक पड़ोसी है। माँ यानी ये मोहन की माँ है। पिता का मतलब है मोहन के पिताजी। मास्टर जो मोहन के मास्टर जी हैं, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी हैं। इतना ही पात्र इस नाटक में है। इस नाटक में सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक ओर रेडियो का सेट है, दो ओर दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर बोलती है, नना ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? इस पर पिताजी बोलते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली, कैसे? तो पिताजी बोलते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला, नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला, नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर बोलती है, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुँह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी बोलते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। इस पर मोहन जी जोर से कराकर बोलते हैं, माँ, ओ माँ। माँ पुचकार कर बोलती है, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हिंग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिताजी फोन पर बात करते हुए बोलते हैं, यह 43332 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ।
मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं गिरा भी नहीं है। ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बोला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चुंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराहता है। मोहन कराहते हुए बोलता है, माँ माँ, ओ ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाते हुए बोलती है, क्या हो गया? दोपहर को भरा चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब दीनानाथ बोलते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार की रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुख का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिताजी बोलते हैं, बड़ा नटखट है। माँ बोलती हैं, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। इस पर दीनानाथ बोलते हैं, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर बोलता है, अरे रे ओ। माँ घर आकर बोलती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन वासा सा बोलता है, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ बोलती है, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन पेट दबाते हुए बोलता है, ऐसे ऐसे, पेट दबाकर बोलता है। अब वहाँ पे वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी बोलते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी बोलते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द है, होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी बोलते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर, हूँ पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। इस पर मोहन कराहकर बोलता है, जी हाँ ओ। वैसे बोल हर्ष से उछल कर बोलते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पूड़ियाँ भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है,
मैंने कहा आओ जी दीननाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देना है, दो तीन दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सिंग। वैद्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता बोलते हैं वैद्य जी से, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी बोलते हैं, नोट लेते हुए वैद्य जी बोलते हैं, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं, हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर साहब पास में बैठते हैं। पिताजी बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। इस पर डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं और बोलते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है, हूँ तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। इस पर माँ बोलती है, बताओ बेटा डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन बोलता है, जी जी ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर साहब सहसा गंभीर होकर बोलते हैं, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलेज पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर बोलती है, फोड़ा। डॉक्टर साहब बोलते हैं, जी नहीं वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं दवा भेजता हूँ पिताजी से, क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर साहब जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब का देते हैं। माँ बोलती हैं, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोलते हैं, दूसरे ही हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है और पड़ोसिन बोलती है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। माँ बोलती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे हैं जाने, वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन बोलती है, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा, राम मारे बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। इस पर माँ बोलती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वह भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ बोलती है, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर जी अंदर आते हुए बोलते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई पास आकर। हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी, क्यों माता जी।
आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ बोलती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी बोलते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ बोलती हैं, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी बोल रहे हैं, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ बोलती है, सच क्या बीमारी है यह? मास्टर जी बोलते हैं, अभी बताता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। इस पर माँ बोलती है, जवाब तो बेटा मास्टर जी क्या पूछते हैं? इस पर मास्टर जी दोबारा पूछते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन बोलता है, जी सब नहीं हुआ। मास्टर बोलते हैं, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन बोलता है, जी। मास्टर जी फिर बोलते हैं, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर बोलती है, क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। मास्टर जी हंस कर बोलते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी से देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ बोलती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिता से बोलती है माँ, देखा जी आपने? पिताजी चकित होकर बोलते हैं, क्या क्या हुआ? माँ बोलते, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी बोलते हैं, दवा के शीशे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ बोलते हैं, वाह मोहन वाह। पिताजी बोलते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अटहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो यह एकांकी ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया एकांकी है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह एकांकी मनोरंजन से भरपूर है। स्कूल में मिले गृह कार्य को पूरा नहीं कर पाने तथा स्कूल नहीं जाने के लिए नटखट विद्यार्थी मोहन पेट दर्द का झूठा नाटक करता है। उसका बेचैनी को देखकर उसके माता पिता, पड़ोसी, वैद्य और डॉक्टर द्वारा उपचार हेतु की जाने वाली कवायदों की मजेदार प्रस्तुति इस पाठ में है।